हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी को समझेंगे। सेक्शन 73 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को समझेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक समझ रखे हैं सीपीसी के, हमने सारे ऑर्डर्स समझे हुए हैं, हमने बहुत सारे सेक्शन समझे हुए हैं। अगर आपने वो देखना है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर सीपीसी के नाम से आपको सारे उसमें जो भी सीपीसी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। अब हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि इन सेक्शंस के अंदर, पर्टिकुलर सेक्शंस में क्या दिया गया। उसके अंदर हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बेर एक्ट को पढ़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में भी और पढ़ रहे हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। अब अगर हम सेक्शन 73 के ऊपर आएँ तो जो सेक्शन 73 है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स के बारे में बात करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स मतलब कि कौन से असेट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जा रही है। यहाँ पे उन असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जिन जो असेट्स किसके हैं, जजमेंट डेटर के हैं। जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई हुई है। तो जोन से असेट्स जजमेंट डेटर के हैं और उन उस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट बहुत सारे कौन हैं, डिक्री होल्डर हैं, एक से ज़्यादा डिक्री होल्डर हैं। तो उस जगह पे अब जो जजमेंट डेटर होगा उसके पास तो लिमिटेड असेट्स होंगे, तो उन लिमिटेड असेट्स को किस हिसाब से डिक्री होल्डर्स में बांटना है वो सेक्शन 73 के अंदर बताया गया है। जब सेक्शन 73 कोर्ट के अंदर एप्लीकेबल होता है तो जो कोर्ट है वो किस तरीके से, कौन सी पावर्स उसके पास आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास आ जाती है। कौन सी पावर्स आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ जाती हैं। अब कोर्ट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे में काम कर रहा होता है, वो एडमिनिस्ट्रेट करता है किस चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स को, कि जो जजमेंट डेटर की असेट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिफरेंट डिक्री होल्डर्स के बीच में बिना किसी डिस्प्यूट के, कि कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। इस सेक्शन को ऐड करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो अवॉइड मल्टीसिपलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, की हर एक डिक्री होल्डर, जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर डिक्री होल्डर है, तो मान लीजिए एक डिक्री होल्डर है, दो, तीन, अब इन सभी को क्या मिली होगी, डिक्री मिली होगी इस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट। अब ये भी इसके अगेंस्ट अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर देगा, ये भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर देगा, ये भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर देगा, और एक से ज़्यादा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कोर्ट के अंदर चलने लग जाएंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 73 को हमारे सीपीसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कि इतने सारी अलग से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू ना हो, एक ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर डिफरेंट डिक्री होल्डर्स आके जो जजमेंट डेटर के असेट्स हैं उनको अपना हिस्सा उस हिसाब से रिलेटिवली ले लें। अब दूसरी बात, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ऐसा ना हो कि जो फर्स्ट डिक्री होल्डर है ये पहले आ गया और सारी असेट्स ले गया, सेकेंड नहीं आया, सेकेंड को कम मिली, थर्ड को कम मिली, ये चीज़ ना हो, सभी के बीच में जो असेट्स हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए जे एक पर्सन है, ठीक है, जे एक पर्सन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जजमेंट डेटर बोल रहे हैं, इसके पास 7500 के असेट्स होते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट दो डिक्री होल्डर होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, ठीक है। ए ने जे से 10000 के असेट्स लेने थे और बी ने 5000 के लेने थे, लेकिन इसके पास तो 7500 के असेट्स थे, तो यहाँ पे जो असेट्स हैं इसके उनका क्या होगा, रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको जितने असर्ट्स लेने थे उसको उस हिसाब से उसको उसकी असर्ट्स में से वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसने 10000 के लेने थे और इसने 5000 के लेने थे, तो 7500 जो है वो इसी रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब जो ए है उसको 5000 की असर्ट्स मिल जाएंगी और जो बी है उसको 2500 के असर्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर यही ए जो है गवर्नमेंट होती, अगर ए कौन होता, गवर्नमेंट होती, तो ये पूरे 7500 रुपये कौन ले जाता, गवर्नमेंट ले जाती। लेकिन अगर गवर्नमेंट के आने से पहले ही बी जो है अपना क्लेम ले जाता 5000 रुपये का, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती थी कि मैं अपने 5000 रुपये वापस लेके आ, मैं पहले पैसे लूँगी, तब ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना क्लेम पहले करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ये जैसे जो डिग्री होल्डर्स होते हैं ये अपने असेट्स की रियलाइजेशन करा रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है, मतलब कि असेट्स को बेचने का जो खर्चा आया, जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था कि आप जाके इन असेट्स को बेचिए, तो उसकी जो फीस है, उसके अलावा जो बेचने का खर्चा आया, मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट हुई या कुछ भी चीज़ की गई, तो सबसे पहले उस असेट्स में से जो बेचे गए, जो भी उसमें से रियलाइज हुआ पैसा जो आया, उसमें से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन
पे किया जाएगा, जो भी उस असेट्स को बेचने का खर्चा था सबसे पहले वो पे किया जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई, जब अगर किसी को जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट कराना है सेक्शन 73 के अंदर, तो वो क्या कंडीशंस है। सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है, जैसे मान लीजिए ये इनमें से कोई एप्लीकेंट है, तो एप्लीकेंट जो है वो अपनी डिग्री ऑब्टेंड कर चुका हो, उसने अपनी डिग्री ले चुका हो, अभी पेंडिंग ना हो सूट, वो पेंडिंग के वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। ये एप्लीकेशन लगाने के लिए उसको डिग्री ऑब्टेंड होनी चाहिए और उसने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी, प्रायर टू रिसीप्ट ऑफ असेट बाय कोर्ट, और जब कोर्ट कोई असेट मिली है उससे पहले ही ये एप्लीकेशन लगानी है। तीसरी बात, असेट्स हेल्ड बाय कोर्ट, और ये उसी उन्हीं असेट्स के अगेंस्ट होगा जो उनसे असेट्स जजमेंट डेटर के कोर्ट ने अपने पास हेल्ड कर रखे हैं। चौथी बात, अटैचिंग क्रेडिटर प्लस डिग्री होल्डर को हम क्या बोलेंगे, होल्डर ऑफ डिग्री बोलेंगे। जो भी अटैचिंग क्रेडिटर्स हैं, जो भी उसके साथ जो भी क्रेडिटर्स आ रहे हैं और साथ साथ जो भी डिग्री होल्डर हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, होल्डर्स ऑफ डिग्री बोलेंगे, कि इन दोनों के पास डिग्री जो है ये इनके बीच में जो है असेट्स बटेगी। और पांचवी बात, अगेंस्ट द सेम जेडी, मतलब कि जो जजमेंट डेटर है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो जजमेंट डेटर था ये सेम था, ये नहीं कि यहाँ पे एक और जजमेंट डेटर आ गया और उनके लिए सेम ही एप्लीकेशन लग रही है। डिग्री होल्डर एक से ज्यादा होंगे लेकिन जजमेंट डेटर एक ही होगा, तभी ये सेक्शन 73 की एप्लीकेशन लगेगी। उसके बाद अब मान लीजिए क्या होता है कि जैसे ये असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पे एक और बंदा आया, उसने क्या किया, उसने भी यहाँ पे आके अपनी ऐसी एप्लीकेशन लगा दी और असेट्स वो ले गया, लेकिन बाद में पता चलता है इनको कि ये तो गलत बंदा था, इसको असेट्स नहीं मिलनी थी। तो ये फिर एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये जो असेट्स लेके गया है, जो उसको पे हो गया है अमाउंट इन असेट्स के अंदर, वो ये आके रिफंड करे। तो फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे, तीन डिग्री होल्डर सूट फॉर रिफंड फाइल करेंगे विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर करेंगे जिस दिन उनको उसको वो अमाउंट पे हुआ था। यहाँ पे दो बातें होती हैं कि ये तो असेट जो है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, मतलब कि इसका हक नहीं बनता था तब भी इसको ये अमाउंट मिल गया, और दूसरी बात, व्हेन अमाउंट इज एक्चुअली पेड, ये नहीं कि अभी सिर्फ बांटा गया कागजों के ऊपर और इसको अमाउंट नहीं मिला तब भी इसके ऊपर ये सूट फॉर रिफंड कर देंगे। ये जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होना चाहिए, इसको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए। उसके बाद जो ये जो एप्लीकेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट की, जो कि सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी के अंदर आती है, ये नॉन अपीलेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक डिक्री नहीं बोला गया इसको, ये एक एप्लीकेशन है और इसको एज ए डिक्री ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए ये अपीलेबल नहीं होती क्योंकि ये एक डिक्री नहीं है। अब ये डिक्री नहीं है, अब हमने ये पढ़ा, जहाँ पे हम अपील नहीं कर सकते वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और यहाँ पे रिवीजन जो है वो अलाउड होती है। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। अब हम एक बार बेयर एक्ट में से भी रीड करते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट में से रीड करते हैं तो हमें हमारी कोई चीज़ छूटती नहीं और हमें चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाती हैं। सेक्शन 73, आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, अगर हम बेयर एक्ट में से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए सेक्शन 73 क्या बोलता है, प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटिबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेटिबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसका जितना हिस्सा है उसी हिसाब से उसको मिल रहा है, जिसने जितना अमाउंट डिग्री होल्डर से लेना था, सॉरी जजमेंट डेटर से लेना था, उसको उसी रेशियो के अंदर उसी रेट के हिसाब से उसको उसका हिस्सा मिल रहा है जजमेंट डेटर की असेट्स में से। वेयर असेट्स आर बींग हेल्ड बाई कोर्ट, जो मैंने कंडीशन बताई थी कि असेट जो है वो कोर्ट के द्वारा हेल्ड होनी चाहिए, एंड मोर पर्सन देन वन हैव बिफोर द रिसीप्ट ऑफ सच असर्ट्स मेड एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और एक से ज्यादा डिग्री होल्डर ने कोर्ट के अंदर इस चीज के लिए एप्लीकेशन लगा दी हो, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पास अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर, सेम जजमेंट डेटर के अगेंस्ट जो वो डिग्री पास हुई है उसके लिए, एंड हैव नॉट ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन देयर ऑफ द असेट्स आफ्टर सच डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन को डिडक्ट करने के बाद, तो जैसे मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि जो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है वो निकल जाएगा, जो भी असेट्स को बेचने का खर्चा था, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेल बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सच पर्सन। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सभी डिग्री होल्डर्स क्रेडिटर्स के बीच में। यहाँ पे प्रोविजो देता है, प्रोविजो के अंदर तीन बातें बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि अगर वो प्रॉपर्टी, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज, कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो है वो किस चीज़ के सब्जेक्ट में बेची गई है, मॉर्गेज या चार्ज के सब्जेक्ट में बेची गई है, द मॉर्गेजी और इनक्यूमबेंसर, मॉर्गेजी या फिर इनक्यूमबेंसर
शेल नॉट बी एंटाइटल टू शेयर इन एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। तो जो उसके अंदर मॉर्गेजी है या फिर इनक्यूम्ब्रेंसर है, उसको कोई भी सरप्लस के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा उस असेट्स को बेचने पे। दूसरी बात बोली गई, वेयर एनी प्रॉपर्टी लाइबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज, कि जिसको आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर बेच रहे हो असेट्स को, वो किस चीज़ के सब्जेक्ट है, मॉर्गेज या चार्ज के सब्जेक्ट में है, द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी और इनक्यूम्बेंसर। तो कोर्ट किसकी कंसेंट के साथ, मॉर्गेजर और इनक्यूम्बेंसर की कंसेंट के साथ ऑर्डर दैट प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड फ्री फ्रॉम द मॉर्गेज और चार्ज, कि उसको बेच सकता है कि इस असेट्स के ऊपर कोई चार्ज या फिर कोई मॉर्गेज नहीं है, कि वो कहेंगे कि नहीं हमारे मॉर्गेज या चार्ज है ही नहीं, उसके फ्री है ये, इसको बेच दो आप इन असेट्स को। गिविंग टू मॉर्गेजी इनक्यूम्बेंसर द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड ऑफ द सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सेल। और बाद जो भी उनका हिस्सा था, जो इनक्यूम्बेंसर का या फिर मॉर्गेजी का, जो भी जितना भी जिसके लिए भी उन्होंने अपने पास असेट्स को मॉर्गेज कर रखा था, उतना हिस्सा उस प्रोसीड में से उनको मिल जाएगा, बाकी फिर जो है बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरी बात बोलते हैं, वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑर्डरिंग इट्स सेल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इनक्यूम्ब्रेंस देरऑन, कि भाई अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर किसी असेट्स को बेचा गया किस चीज़ के लिए, किसी इनक्यूम्ब्रेंस को, इनक्यूम्ब्रेंस को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, द प्रोसीड ऑफ द सेल शैल बी अप्लाइड। अब प्रोसीड जो मतलब जो उस असेट्स को बेच के जो पैसा आया वो किस तरीके से अप्लाई होगा, सबसे पहले तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको बेचने के, जो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले वो पे होगा, उसके बाद इन डिस्चार्जिंग द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री, अब जो डिक्री का अमाउंट था वो पे होगा, और सबसे एंड के अंदर इन डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट इनक्यूम्ब्रेंसेज इफ एनी, अगर कोई सब्सिक्वेंट इनक्यूम्ब्रेंसेज थे तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे होगा। फोर्थली, रेटेबली अमंग द होल्डर्स ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, अब जो अमाउंट बचा वो डिक्री होल्डर्स के बीच में बट जाएगा। फिर सबसेक्शन टू बोलता है सेक्शन 73 का, वेयर ऑल और एनी ऑफ द असेट्स लाइबल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस सेक्शन आर पेड टू अ पर्सन नॉट एंटाइटल टू रिसीव द सेम, जो सूट फॉर रिफंड के बारे में मैंने बताया था वही बात सबसेक्शन 2 के अंदर बता रहा है, और सेक्शन 3 के अंदर बता रहा है सबसेक्शन 3 के अंदर कि ये जो सारी बातें हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर भी बताई थी। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिक्री होल्डर है तो फिर उसको सबसे पहले उसका हिस्सा मिलेगा, उसके बाद बाकियों को अपना हिस्सा मिलेगा। तो सेक्शन 73 के अंदर हमें इतना ही समझा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।